आप लोग पहले मसले को समझ लीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक तहरीक यह है कि तमाम हिंदुस्तान की औरतें खवातीन इस बिल की मुखालफत कर रही हैं और पूरे मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में मुस्लिम औरतें सड़कों पे आके एहतजाज कर रही हैं, बता रही हैं कि हम इसके मुखालिफ हैं। आज चंद औरतों की जो बात कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं मालूम कि 45 औरतें कब कोर्ट पहुँच गई। आप बता रहे हो सकता है ऐसा हो, कभी 45,000 औरतें कहीं पे जमा नहीं हो पाई हैं। हाँ ये ज़रूर है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम खवातीन रोडों पर आके एहतजाज जरूर कर रही हैं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं सेक्रेटरी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक के साथ हूँ, चाहे वो 3 तलाक का मैटर हो और चाहे वो मस्जिद बाबरी का मैटर हो। हम दोनों चीज़ों में हम लोगों ने पहले भी ऐलान किया, फिर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमको ज़्यादा लोग कानून बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम भी कानून जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसका जो मसला है वही उसको मसले हल करेगा। हमारे यहाँ कुरान है, रसूलुल्लाह हैं, हदीसें हैं, अहले बैत हैं, उन्होंने हमको रास्ते बताए हैं। हम कानून का आदर ज़रूर करेंगे, मगर ये नहीं कि कानून अगर हमारे मजहब में अदाशेप करेगा या हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उसको मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चंद औरतें जो हैं उसकी हिमायत कर रही हैं तलाक के सिलसिले में, ये हम लोग भी कहते हैं कि तरीका गलत है, 3 तलाक का तरीका गलत, हम उसका रास्ता निकाल रहे हैं और निकल आएगा, पर आप हमको प्रेशर ना दें कि हम कानून बना देंगे, हम जेल भेज देंगे, हम ये कर देंगे। ये चीज़ जो है हिंदुस्तान में भाई नहीं हो पाएगी। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सारे हिंदुस्तानी सारे भारतीयों का है, ये मुल्क हमारा मुल्क है और इस मुल्क में हमें पूरा इख्तियार वैसे ही जैसे आपको है।